शशक आसन के लिए दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियां दाईं ओर रखें। हथेलियों पर दबाव देते हुए बाईं ओर से टांगों को मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। दोनों पैरों के अंगूठों को मिलाकर एड़ियों को दाएं बाएं फैलाकर नितंभों को उसके मध्य रख देना, घुटनों को आगे से मिला देना, दोनों हथेलियां घुटनों पर, कमर सीधी। ऐसा करने से पिंडरियों के दोष ठीक होते हैं और डाइजेशन भी बढ़िया बनता है, अतः वज्र आसन भी इस रोग में लाभकारी है। जब डाइजेशन बढ़िया होता है तो अल्सर का रोग नहीं आता। शशक आसन, दोनों बाजुओं को धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामने से ऊपर की ओर उठाना प्रारंभ करें। अंत में बाजू पूरी तरह से कानों से सट जाएं, हथेलियों का रुख सामने की ओर हो, बाजू कानों से पूरी तरह सटी हुई हो, श्वास भरकर धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर खींचें। अब श्वास बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे झुकना प्रारंभ करें। अंत में माथा धरती पर लग जाए पर नितंब पीछे से ना उठें, कोहनियां भी धरती पर स्पर्श करा दें और रीढ़ वाले भाग को रिलैक्स्ड पोजीशन में लें। ऐसा करने से दोनों जंघाओं से हमारे सभी पाचक अंग दबाव में आते हैं, उनकी मसाज होती है, जिससे कि उनसे निकलने वाला स्राव आवश्यकता के अनुसार संतुलित होता है और इस रोग से निजात मिलती है, पाचन बढ़िया बनता है। दोनों बाजू को आगे की ओर खींचें, कानों के साथ सटा दें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ वाले भाग से शरीर को सीधा करें। अर्धताड़ आसन की स्थिति बन जाती है, बाजुओं को धीरे धीरे बगल से वापस ले आएं। विश्राम की स्थिति, हमने अभी देखा अपने शिक्षकों के साथ अर्धमत्स्येन्द्र आसन।